हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पैन कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है इसका प्रोसेस देखेंगे। आप जब भी कभी अपने पैन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं या फिर पैन कार्ड रीप्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर आप रिटर्न फाइल करते समय अपने इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर पैन कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर आपको OTP आता है, तभी आप आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। आगे वीडियो में मैं आपका मोबाइल नंबर पैन कार्ड से लिंक है या नहीं ये कैसे चेक करना है इसका भी प्रोसीजर बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में हमें TIN NSDL सर्च करना है। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी उस पर हमें क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपकी लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन है, उसमें थर्ड ऑप्शन पैन न्यू फैसिलिटीज़, इस पर हमें क्लिक करना है। पैन न्यू फैसिलिटीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ और ऑप्शंस ओपन होंगे, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है पेपरलेस एड्रेस अपडेट इन पैन, उस पर हमें क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पे हमें पैन कार्ड एंटर करना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करना है जो आप पैन कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप पैन कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं। फिर हमें यहाँ पे नीचे बॉक्स में टिक करना है। फिर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। हमने अभी यहाँ पे जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर किया है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उस पर एक OTP रिसीव होगा। ये सारी प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यू विथ EKYC इस पर क्लिक करना है। आधार से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे लिंक करवाना है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख के अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करवा सकते हैं। कंटिन्यू विथ EKYC पे क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन ओपन होगी। आपको यहाँ पे जो OTP आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे रिसीव हुआ है वो यहाँ पे एंटर करना है, फिर हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगले पेज पे आपको जो एड्रेस आपके आधार में लिंक है वही एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा, यही एड्रेस आपका पैन कार्ड के साथ भी अभी अपडेट होगा। यहाँ पे हम एड्रेस में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि जो एड्रेस आपके आधार में अपडेटेड है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। हमें फिर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर अगले पेज पे हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ऑथेंटिकेशन करना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा चेक कर लीजिए कि आपने सही यहाँ पे एंटर किया है या नहीं, और फिर वेरीफाई एंड गेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP रिसीव होगा, वो दोनों OTP अलग अलग होंगे, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल पे जो OTP आया है वो एंटर करना है, फिर हमें यहाँ पे ईमेल पे जो OTP आया है वो एंटर करना है, और फिर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। फिर हमें जनरेट एंड सेव इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगली स्क्रीन पे आपको मैसेज दिखेगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन एड्रेस अपडेट फैसिलिटी। यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, और जैसे ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट होगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट भी मिलेगी, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये रिसीट आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। अभी हम आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पैन कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं ये कैसे चेक करना है इसकी प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हमें गूगल में रीप्रिंट पैन कार्ड ये एंटर करना है। फिर हमें यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, इस पर हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपका मंथ है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है, और फिर यहाँ पे आपको आपका जो बर्थ ईयर है वो एंटर करना है। फिर हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके इस बॉक्स पे हमें टिक करना है, फिर नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पे अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपकी पैन कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, जिसमें आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर आपने अभी जो अपडेट करवाया है, और ईमेल आईडी जो आपके पैन कार्ड से लिंक हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इस तरह से हम अपने पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अपडेट कर सकते हैं, और उसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हुआ है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।